अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कलसन शरीफ बारामुल्ला में। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि यहाँ पे जू ही चले कलान ने वादी भर में दस्तक दे दी और वाटर सप्लाई की जो स्कीमें हैं वो ठप होकर रह गई। जी हाँ, आपको बताते चलें कि इस वक्त जो है चंदूसा, उसके मुल्हिका जात जो गांव आते हैं पछार, वलरामन, सुल्तानपुरा, कंडी, बहुत सारे इलाके जो होल कंडी है, इस वक्त पानी की बूंद के लिए, एक एक बूंद के लिए वो तरस रहे हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें जो है कि एक तरफ हुकूमत JJM के तहत जो है हर घर जल पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन वो सारी कोशिशें फेल नज़र आती हुई दिख रही है। हम आपको बताते चले कि इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद है कलसन शरीफ में। यहाँ पे जो है पूरी तरह से तमाम नलके जो हैं वो जम चुके हैं, जो टैंकियाँ वहाँ पे बनाई गई हैं बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन मुकामी लोगों का कहना है कि हमने बार बार मुतल्लिका हुकाम से आगाह किया कि हमें यहाँ पे जो बूटा पथरी से जो स्कीम आ रही है उसके तहत हमें 10 इंच पाइपलाइन दी जाए ताकि हमारी जो ये मुश्किलात है ये फॉर एवर जो है वो दूर हो जाए। जी हाँ, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो वाटर टैंकियाँ हैं बिल्कुल खाली सुनी पड़ी हुई है, बिल्कुल जम चुकी है, लेकिन कारण यह है कि पीछे से जो पानी की सप्लाई है वो नहीं आ रही है, जिस वजह से जो है वो नलके जो है वो जम चुके हैं और टैंकियाँ खाली पड़ी हुई है। मजीद भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, तुम उन्हें पन्न नाव मोहम्मद गुलवानी नौगाम कंडी पेट। अस्सलाम वालेकुम। बस गुजारिश करा कि ये टंकी वनिस तम बनाम ईचा रुपये आई खर्च कर करोड़बूद रुपये आई खर्च कर मगर फजूल खर्चा आव कर कि वनस जरूरत पे कम तनस टंकी ये तम हाँ सपूर्द खाख तम हाँ हम तमन मन कह आव कहे कि ये पाइप लाइन अगर वट पथरी पे आज 10 लाख लोन आम कि सू रोजे अस मुस्ती तमुक आब पक वनस हाँ सारी गांव वनस दरफोजा त्रेश दाद मरान कि यम टंकी से वन खस्ता हाल अंदर कर गवर्नमेंट कह तवजो दिवान कि बेल्ट विलेज मैं टंकी आई तो बेल्ट विलेज अफसर तो तुत खो तम तो तक फोटोग्राफी गई मगर अत पे आई कह नजर सही कर बल्कि मेहरबानी तो मेहरबानी करा अपील गवर्नमेंटस कि अगर गवर्नमेंट वन कि वातन घर घर आब ओस दुहस तान दुहस तान दुतवस तान जनाब ना जुतवु ना त्रुत ना ऊव जनाब अस पान आब खत तड़फान त्रेश खत तड़फान कि अच्छे कह नजर सही गाँव टकन वुचत या इन दीतो नजर इन कह मुलिम वनो कह अफसर यन यो तम दीतन नजर यह हकीकत वन कपुज वन अगर अपुज वन वो ब्रो कहे टकी आम हकन थम इन मन कह आब कह कस वट पथर पे वनस स्कीम तम तो बेहद नालन मे स्कीम तम तो बेहद टंकी नलकस जमाम तो अस तड़फान वनस त्रेश खुतर वनस कुछ त्रेश इस्तेमाल तुम क्या वनस कर जनाब वनस कलन मे दब दिव सो आब जमा वनस कर सो आब चवान मुकुर आब ये अस नीचे वनस कह आब नलकन हूं वाता कहीं अगर ये तो कुछ सात ओट घंटे पंद्रह मिनट तम सा बजे आसान 10 बजे तो रोज हम बजे आसान सुबह 7 बजे जन पाई लगा तुम 10 मिनट या 5 मिनट आब बन कलन आब इस्तेमाल कर दबन हूं आब इस्तेमाल कर अम खुद गवर्नमेंट अपील कर बार 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 अपील कर कि मेहरबानी कर दीतो दहान पान बूटी पथरा पे वनस टकन मे पे चमह त्रेश तो ये जुस तुं स्कीम इस वन तु 15 योजना आवाज से ये स्कीम दमो जुस तय आब करो घर घर वातन सो आब वातन अगर तथ पाते कह तरीका करो तो त्रेश चीन लायक आज तक जो भी यहाँ चल रहा था ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बदकस्मती ये है कि आज 3 दिन से सुल्तानपुरा में गंदा पानी भी नहीं चल रहा है। इतने करोड़ों में इतना रुपया लगा कर करोड़ों अरबों का ये बने हैं, टैंक बने हैं वगैरह बने, मगर बदकस्मती से ये बचे रो रहे हैं, पानी का एक बूंद यहाँ नहीं आ रहा है। अफसोस का मुकाम यह है कि इतना पैसा खर्च करके एडमिनिस्ट्रेशन दावा करती है कि हम पानी पिला देते हैं, बिजली देते हैं वगैरह देते हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि 3 दिन से हमारे बच्चे बीवियाँ औरतें परेशान हैं। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ मेहरबानी और मेहरबानी करके ये जो दावे करते हैं ये बिल्कुल गलत है, पानी का बूंद भी नहीं आ रहा है। रहा सवाल बिजली का तो वो तो हमने छोड़ ही दिया है, 700 रुपये बिल भरते हैं। मुझे अब उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी बात पे थोड़ा गौर करेगी। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम कलसन शरीफ में गए हैं जहाँ पे वो वाटर टैंकियाँ बनाई है तो करोड़ों रुपए का वहाँ पे वो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, लेकिन वो बिल्कुल सुनसान खाली है, उनमें पानी का एक कतरा भी नहीं है, तो क्या वजह है सर? वजह यह है कि जो बूटा पत्थर से हमें पानी आता है आज मुलाजिम वहाँ पर गए हैं पानी के लिए, लेकिन आज के बजाय इनको गर्मा में ही इसका इंतज़ाम करना चाहिए था। जबकि ये बर्फ़ गिरती है तो ये बोलते हैं हमें पानी बूटा पथरी से कट गया।
अब थोड़ा बहुत पानी चल रहा था, हमें यहाँ से लोकल चल रहा था। अब 3 दिन से हमें गाँव भी परेशान, महल भी परेशान, औरतें भी परेशान, बड़े अफसोस का मुकाम है ये। और जितना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया, आज भी पाइपें बिछा रहे हैं, यहाँ से पाइपें बिछा रहे हैं, घर घर बिछा रहे हैं, लेकिन खाली पाइपें, पानी का एक बूंद भी नहीं आ रहा है। मुकामी आबादी का कहना है कि अगर बाकमे पीएचई ने कई करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है, ताहम वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो टंकियां जो वहां पे बनी हुई है बिल्कुल खाली सुनी पड़ी हुई है। जबकि भूटा पथरी स्कीम से जो पानी आ रहा था, जो मुख्तलिफ इलाकों में जाता था, चंदूसा की बात करें, वो स्कीम भी जो है वो अब भी कट हो चुकी है। हमने यहां पे मुकामी जो यहां पे पीएचई के कर्मचारी थे उनसे भी जानने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ कैमरा पर आने से इनकार कर दिया। आपको बताते चले कि ये स्कैम, एक किस्म का स्कैम चल रहा है, कि अगर सरकार एक तरफ से जो है ये दावा कर रही है कि हम पीएचई महकमे को मुस्तकम बनाने के लिए करोड़ों रुपए इस वक्त खर्च हो रहे हैं, ताहम ग्राउंड जीरो पे वो बिल्कुल जीरो ही नजर आता हुआ दिख रहा है। आरएनए न्यूज की रिपोर्ट के साथ में मोहम्मद शफी।